हेलो एवरीवन, अल्पनास किचन में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम स्पाइसी जिंजर गार्लिक मैक्रोनी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने मैक्रोनी को बॉयल कर लिया है और इसे ड्राई करने के लिए एक प्लेट में रख लिया है। यहाँ हम अनियंस को स्लाइस कर लेंगे और जिंजर एंड गार्लिक को मैंने चॉप कर लिया है। टमेटोज को भी हम चॉप करके ही लेंगे। मैक्रोनी बनाने में जितने भी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म कर लिया है। ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक को ऐड कर लेंगे। लगभग 1 मिनट के लिए हमें जिंजर गार्लिक को पकाना है ताकि इसका जितना भी फ्लेवर है वो तेल में आ जाए। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से मैक्रोनी बनाई है, आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ हम अब प्याज को भी ऐड कर देंगे। तो अनियंस को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक पकाना है। इसका जो क्रंचीनेस आता है वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो प्याज हो चुके हैं, अब हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़ा हम टर्मरिक पाउडर भी ऐड करेंगे। मैक्रोनी बनाने में ज़्यादा स्पाइसेस का यूज़ नहीं होता है। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर लेंगे और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो है वो अच्छे से पक जाए, वरना अगर मसाले कच्चे रह जाएंगे तो हमारी मैक्रोनी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसमें टमाटोज भी ऐड कर देते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए इसी के साथ साथ हम नमक भी ऐड कर लेते हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। टमाटर को पकने में लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है। तो यहाँ हम अब शेजवान सॉस भी ऐड कर लेंगे। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो यहाँ आप ज़्यादा करके शेजवान सॉस को ऐड कर सकते हैं। देखिए, टमाटर जो है वो तेल छोड़ चुके हैं, इसका मतलब जो है हमारा टमाटर अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसमें मैक्रोनीस को ऐड कर देंगे। चलिए मैक्रोनी को अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमें मैक्रोनी को तब तक पकाना है जब तक पूरा ये ड्राई ना हो जाए। ये जितना भी हमारा मसाला है वो मैक्रोनी अपने अंदर सोक कर लेगी। तो हमें लगभग 5 से 6 मिनट पकाना है और आप देख सकते हैं हमारा जो मैक्रोनी है बिल्कुल ड्राई हो चुका है, मतलब हमारी मैक्रोनी बनके तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा मैक्रोनी बना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।